हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कॉपीराइट क्लेम क्यों लगाया जाता है और क्या है कॉपीराइट क्लेम, तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको कॉपीराइट की शिकायत मिली है तो इसका मतलब है कि कॉपीराइट के मालिक ने वीडियो हटाने का ठोस और मान्य कानूनी अनुरोध सबमिट किया है। ऐसा उसने कॉपीराइट किए गए अपने कॉन्टेंट का बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर किया है। जब हमें इस तरह की औपचारिक सूचना मिलती है तो कॉपीराइट कानून के तहत आपका वीडियो हटा देते हैं। किसी वीडियो पर एक बार में कॉपीराइट की सिर्फ एक ही शिकायत मिल सकती है। ध्यान रखें कि कॉपीराइट के अलावा दूसरी वजहों से भी साइट से वीडियो हटाए जा सकते हैं। साथ ही कंटेंट आईडी के दावों की वजह से शिकायत नहीं होती, हम सभी से गलतियाँ होती हैं। आपको मिली कॉपीराइट शिकायत एक तरह की चेतावनी है। पहली बार कॉपीराइट की शिकायत मिलने पर आपको कॉपीराइट स्कूल कार्यक्रम को पूरा करना होगा। कॉपीराइट स्कूल कार्यक्रम क्रिएटर्स को कॉपीराइट के नियम और शर्तों को समझने में मदद करता है। साथ ही यह भी जानने में मदद करता है कि YouTube पर कॉपीराइट को किस तरह से लागू किया जाता है। कॉपीराइट की शिकायतों की वजह से आपको अपने वीडियो से कमाई करने में परेशानी हो सकती है। साथ ही अगर कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से आपकी चालू लाइव स्ट्रीम हटाई जाती है तो आप पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके बाद आप 7 दिन तक लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके चैनल के खिलाफ कॉपीराइट की 3 शिकायतें मिलती हैं, तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। पहली, आपका खाता और उससे जुड़े चैनल बंद किए जा सकते हैं। दूसरा, आपके चैनल से अपलोड किए गए सभी वीडियो हटा दिए जाएंगे। और तीसरा, आप नए चैनल नहीं बना सकेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, किसी भी तरह का कॉपीराइट हमारे वीडियो पर ना आए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।